पहले क्या कदम उठाए, क्या काम किया इन्होंने? पहले जो पेड़ करोड़ों की संख्या में लगाए गए, क्या वो पेड़ अब तक बड़े हुए कि नहीं हुए? उनका देखभाल हुआ कि नहीं हुआ? या इसमें भी घोटाले हुए? ये सारे तो जांच के बिंदु तो देखना पड़ेगा आखिर हुआ क्या। तो इसलिए आज जो हेमंत चौहान जिस प्रकार से जबरन बच्चों ठंड में ठियोकते रह गए, शिक्षक की मौत हो जाती है, दीदी की मौत हो जाती है, नंगे पांव जब बच्चों की तस्वीर आती है जिसको महत्व नहीं पता, तो ये कहीं ना कहीं से दुख होता है। और दुख ये होता है कि सत्ता का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया, सरकारी खजाने में जहां गरीबी मिटाने के लिए काम करना चाहिए था, भूखे को रोटी देने का काम करना चाहिए था, वहां नीतीश कुमार जी जिस हिसाब से हेलीकॉप्टर पे खाली फोटो खिंचवाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ये सवालात जो है विपक्ष जरूर पूछेगा, पूछ रहा है, और इसमें मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। सत्तारूढ़ पार्टी की यही है कि 2017 में जब वो दल इसको लेकर हुआ, शराबबंदी को लेकर आप सब एक साथ थे, उस समय विपक्ष में बीजेपी थी, बावजूद उसके आप लोग समर्थन भी थी। आज जब आप विपक्ष में हैं तो आप उनके साथ ऐसे मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों के साथ क्यों हैं? आपने एक स्पष्ट बात बतानी है, नशा मुक्ति के लिए हम लोग जब महागठबंधन में थे तो हम लोगों ने हेमंत चौहान नीतीश कुमार जी ने बनाने का था, वो पहला ऐसा काम था देश भर में हरियाणा के बाद जहां दूसरे राज्य जो है इस तरीके से नियम लागू करते। उसके ठीक कितने महीने बाद हम लोग सरकार से बाहर हो गए? बाहर क्या हुए, नीतीश कुमार जी ही बाहर हो गए, धोखा दिया। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है कानून का, वो तो सरकार में बैठने वाले लोग लाए। जब इम्प्लीमेंटेशन नियम कायदा बनाने वक्त भले ही हम लोग थे, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन करने की बारी आई उस समय तो बीजेपी सरकार में थी। आज होम डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो तो सीएम खाने दार